सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाए ताकि आप अगली वीडियो घंटा ना मिस कर पाए। वैसे अक्सर कमेंट बॉक्स में आप यह क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई यदि ऑनलाइन की कोई भी टिकट हम कैंसिल करते हैं या ऑनलाइन की वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होती है और वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है तो हमारे यहाँ पर रिफंड अमाउंट जो होता है ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट में रिसीव्ड हो जाता है। लेकिन यदि भाई बताइए कि कोई भी यदि व्यक्ति काउंटर से वेटिंग टिकट लिया हो और वह कन्फर्म ना हो और कन्फर्म ना हो तब वो ट्रैवल नहीं करना चाहे तो भाई ऐसे में हमारा पैसा कैसे मिलेगा? क्योंकि भाई यार हमने देखिए जो फॉर्म फिलअप किया था जब हमने कोई भी काउंटर से वेटिंग टिकट लेते हैं तो हमें यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना पड़ता है और उस फॉर्म में तो हम अपना यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स तो हम भरते ही नहीं है चाहे और ऑनलाइन पेमेंट का यहाँ पर जो भी ऑप्शन आता है यहाँ पर आता ही नहीं है तो यहाँ पर काउंटर पर जो टिकट कैंसिल होगा तो वो हमारे बैंक अकाउंट में कैसे आएगा? तो हमने यहाँ पर बैंक अकाउंट का डिटेल्स भरा नहीं था। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे या सही शब्दों में समझिए कि देखिए यदि आपका काउंटर का वेटिंग टिकट यदि कन्फर्म नहीं होता है तो आप यहाँ पर तब पर भी ट्रैवल कर सकते हैं यदि वेटिंग टिकट ना कंफर्म हो। तो यदि आप यहाँ पर यह चाहते हैं कि काउंटर का वेटिंग टिकट कंफर्म ना हो और हम ट्रैवल भी नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, कैसे हमें रिफंड अमाउंट मिलेगा? तो देखिए यहाँ पर आपका रिफंड अमाउंट आपको काउंटर पर जाने पर जब आप काउंटर पर जाकर इस टिकट को कैंसिल करवाएंगे तभी आपको यहाँ पर रिफंड अमाउंट मिलेगा। वैसे मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आज ही की ट्रेन है और आज ही हमारा वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं हुआ है तो आज ही हम चले जाए। अगर टाइम मिलता है तो आप जा सकते हैं, अगर टाइम नहीं मिलता है तो कल जा सकते हैं, आपको रिफंड अमाउंट जो है मिल जाएगा। लेकिन एक बात आप ये जरूर ध्यान में रखिएगा, आपका कोई भी टिकट हो जैसा कि स्लीपर का टिकट होगा वेटिंग का तो यहां पर 60 रुपीज डिडक्ट करके आपको पैसा वापस किया जाएगा और यदि वहीं पर एसी की बात करें तो यहां पर 65 रुपीज आपके टिकट के अमाउंट में से डिडक्ट करके आपको यहां पर वापस किया जाएगा। यह बात को जरूर ध्यान में रखिएगा, ऐसा आप वहां पर झगड़ा मत करिएगा कि भाई यार मेरा फुल अमाउंट जो है रिसीव करिए क्योंकि मेरा यहां पर टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, ऐसा नहीं होता है। यहां पर एक रेलवे की तरफ से यहां पर रूल बनाया गया है कि यदि कोई भी वेटिंग टिकट कंफर्म होता है कंफर्म नहीं होता है तो यहां पर स्लीपर के लिए 60 रुपए कटेगा और एसी के लिए 65 रुपए कटेगा, चाहे ऑनलाइन यहां पर हो चाहे काउंटर पे हो। तो यदि फिर से मैं आपको बता दूं, यदि काउंटर की वेटिंग टिकट नहीं कंफर्म हुई है और यदि आप ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं तो आप काउंटर पे किसी भी काउंटर पर जाकर आप अपना वेटिंग टिकट कैंसिल करवा के और अपना रिफंड अमाउंट ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए और हाँ कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। और वैसे मैं आपको बता दूं यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है जरूर प्रेस कर लीजिएगा।